शिवपुरी कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान एक पीड़ित महिला ने डिप्टी कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को सामने ही खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की, जिससे वहां पर मौजूद डिप्टी कलेक्टर और अधिकारियों ने पकड़ लिया। वहीं कलेक्टर अपने ऑफिस के चैम्बर में मौजूद थे। हंगामा सुनकर कलेक्टर भी जनसुनवाई हॉल में पहुंचे। इस दौरान पीड़ित महिला और उसके पति को समझाया, साथ ही उसकी पूरी बात सुनी। यहाँ कनिया थाना तहसील क्षेत्र के हसर्रा गांव में रहने वाले सिरनाम लोधी पिछले 10 वर्ष से अपनी जमीन को लेकर परेशान हैं। वो कई दफा कलेक्टर और अन्य अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अब उसका ये कहना है कि उसके साथ पुलिस ने मारपीट की है और जो पिताजी से ज़मीन गलत तरीके से ली है, उसके पिताजी जो पिताजी द्वारा की गई कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। इसके अलावा उसने ये भी कहा है कि इस कार्रवाई में जब शिकायत की तो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है। घर से लाए थे, मतलब पेट्रोल पंप से लगाई थी, घर से कैसे ले जाएंगे पेट्रोल पंप? हमारी गाड़ी, यही गाड़ी को रखो तो घर से ले आई थी। निकाल लाई थी पेट्रोल सीसी में रखो तो वो तो गाड़ी तो आज आत्महत्या करने ही आई थी क्या? आत्महत्या करने आई थी, हमें कोई इतने आवेदन दे देते, हम परेशान है, कोई सुनवाई नहीं होती। थाने में जाती है, थाने में नहीं सुनते हैं।